हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाया था शॉप पे, तो मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं अपने कुछ एक प्लांट्स लगे हुए दिखाऊंगी सेरेमिक में। ये देखिए, ये ट्रे है, इस ट्रे में मैंने बिच्छू बुंटी लगा रखी है और ये बहुत सुंदर, जब फ्लावर्स आते हैं तो और भी सुंदर लगती है। नेक्स्ट मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये मैंने ब्यूटीफुल लीव्स का एक प्लांट लगाया है सेरेमिक के अंदर। आप इस सेरेमिक की शेप देखिए कितनी सुंदर लग रही है। नेक्स्ट ये देखिए, एक कछुआ, ये उसी शॉप से लिया हमने, और इसके अंदर हमने कैक्टस लगाया। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। अगर इसे आप चाहें तो आप इसे अपने गेस्ट रूम में टेबल पे भी रख सकते हैं। और एक मैंने आपको ये ट्रे भी दिखाई थी, मैंने इसमें भी कहा था कि हम कैक्टस रखते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। इसी के साथ देखिए, मैंने आपको मिनी और स्मॉल पॉट दिखाए थे, इन्हीं में देखिए हमने ये लगा रखे हैं, हमने ये कैक्टस, ये भी कितने प्यारे लग रहे हैं इसी टाइप के, ये देखिए। और ये हमने अपने मिनी गार्डन के अंदर हम ये रख सकते हैं। और आगे देखिए, ये एक सेरेमिक का, ये देखिए, ये पॉट स्क्वायर शेप में मैंने आपको ये दिखाया था, और इसके अंदर कितना प्यारा लग रहा है ये। और भी ग्रेसफुल लगते हैं ये पॉट्स जब हम इनके अंदर प्लांट लगाते हैं। एक रेन लिली, अभी ये नया ही लगा है इसीलिए मुरझाया है, लेकिन जब ये ग्रो करेगा तो बहुत सुंदर लगेगा। देखिए आप सेरेमिक के अंदर इस तरह से हम स्टोन्स रख के अपने टेबल को और भी डेकोरेट कर सकते हैं। और ये मटकी शेप में हमने वहाँ दिखाया था आपको, और इसके अंदर हमने ये प्लांट्स लगा रखे हैं। ये नहीं है कि इसमें स्पेस नहीं होता है, इसमें पूरा स्पेस होता है और ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। हमें प्लास्टिक में अवॉइड करना चाहिए प्लांट लगाने को, हमें सेरेमिक में ही लगाने चाहिए या सीमेंट या मिट्टी में। और सेरेमिक में लगाते तो हमारा घर और भी सुंदर लगता है। देखिए किस तरह से बहुत हमारी मिनी गार्डन, जो सेरेमिक का गार्डन है छोटा सा, कितना प्यारा लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।